आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्नट्स इंजन, ठीक है। अब इंजन में क्या होता है, किसी भी इंजन में ले लो, वहाँ पर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है। तो पिस्टन ऑसिलेट्स एंड इट ट्रांसमिट्स ए रोटेशनल एनर्जी टू ए बॉडी। कोई व्हील को घुमाना है तो उसको घुमाने में मदद करता है, और पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ऑसिलेट करता है, ठीक है। जैसे मैं कोई मान लो डबल स्ट्रोक इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर कोई एक इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो कि सोचो कि यहाँ पे कोई एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर कोई एक पिस्टन अरेंजमेंट है, ये है एक पिस्टन और इसके साथ लगा है एक हियर इज ए कनेक्टिंग बार लाइक दिस। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक व्हील है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मान लो कि यहाँ पर कोई एक व्हील है और ये जो व्हील है वो ऐसा है, और सपोज ये व्हील का यहाँ से कोई एक बार ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर ये पिस्टन का जो कनेक्टिंग बार है इसको मैं इसके साथ ऐसे जोड़ देता हूं, सोच लो क्या होने वाला है। अब अगर पिस्टन बाहर की तरफ आएगा तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, और अब देखोगे कि ऐसे घूमने लगा है ये व्हील, घूमेगा नहीं घूमेगा। फिर जब ये घूमेगा, मान लो कि यहां से यहां तक घुमाया, तो ये जब तक पुश करेगा, जब इस पोजीशन में आएगा, कौन ये वाला पॉइंट इस पोजीशन में आएगा, तब तो सीधा हो गया, लेकिन तब तक ये घूम रहा था तो ये घूम के आगे आ जाएगा। तो पिस्टन इधर जाता है तो ये ऐसे घूमेगा, तब तक घूम के यहां तक आ गया होगा, फिर इसके बाद ये इधर आगे आएगा, फिर इसको खींच के लेके आएगा, और ये कंटिन्यूसली ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा तो ये ऐसे 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 चलने लगेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सोचो और बताओ कब कब पिस्टन जोर से चलेगा, कब कब पिस्टन धीरे धीरे चलेगा। जब ये बार, ये जो बार है ए बी मान लो, इस बार का नाम है ए बी, जब ये बार कुछ इस पोजीशन में है तो घूमने के कारण इस डिरेक्शन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, नहीं तो वो जोर से इधर को खींचेगा, मतलब तब पिस्टन का स्पीड काफी ज्यादा रहेगा। जब वो बार ए बी इस पोजीशन में है, ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे रहे या यहां पे रहे, बहुत ज्यादा इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये पिस्टन धीरे धीरे चलेगा। मतलब ये बार जब रोटेट कर रहा है, ये क्रैंक है, जब ये रोटेट कर रहा है तो कभी पिस्टन का स्पीड ज्यादा है तो कभी पिस्टन का स्पीड कम है। कार्नट इंजन में भी हम लोग ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं, सडन एक्सपांशन, सडन कंप्रेशन, स्लो एक्सपांशन, स्लो कंप्रेशन। कब कब स्लो हो रहा है समझ में आ रहा है, कब कब सडन हो रहा है समझ में आ रहा है। अच्छा, तो लेट अस लर्न अबाउट व्हाट इज दैट इन ए कार्नट्स इंजन। हो सकता है कि आपका ये मैकेनिज्म को समझने में, सॉरी मैकेनिज्म को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन स्कूल वाले इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे, अल्टीमेटली कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कार्नट इंजन जो भी है वो आपका 11th क्लास का फिजिक्स का सबसे इजी वाला जो क्वेश्चन है वो होता है, समझ में। अच्छा, तो इसलिए एकदम हड़बड़ाना नहीं, इन चीजों को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि आगे चल के आपको इंजीनियर बनना है तो पहली बार इंजन देख लो तो कुछ जानना चाहिए। तो ये तो समझ में आया कि जब इंजन का वो क्रैंक व्हील रोटेट करने लगता है पिस्टन कैसे आगे पीछे हो रहा है, और ये भी समझ में आया कि पिस्टन का स्पीड कभी ज्यादा है तो कभी कम है कि नहीं। चलिए, ये इंजन में क्या होता है, देयर आर सम अरेंजमेंट्स, हियर इज ए सोर्स, ये एक सोर्स है जो कि मेंटेन किया गया है एट ए टेम्परेचर T1। Here will be an insulating pad. यहां पर एक इंसुलेटिंग पैड रहेगा, ये इंसुलेटिंग पैड है, मतलब एक हाइपोथेटिकल इंजन की डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रहता है एक लो टेम्परेचर सोर्स सिंक,
यहाँ पर रहेगा कोई टेम्परेचर टी टू, हम कहेंगे ये है एक सिंक जिसका टेम्परेचर टी टू है। सोर्स का टेम्परेचर टी वन मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ये हाई टेम्परेचर का बॉडी है, सोर्स है जहां से आप हीट निकाल सकते हो, लेकिन इसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब जितना भी हीट निकाल दो टेम्परेचर टी वन ही रहेगा, समझ में आ रहा है। ये एक लो टेम्परेचर सिंक है, मतलब इट विल अब्सॉर्ब हीट, ये यहां पर हीट ये छोड़ेगा, लेकिन ऐसा मेंटेन किया गया है कि जितना भी हीट ले इसका टेम्परेचर टी टू ही रहेगा। जस्ट लाइक थिंक ऑफ ए ब्लॉक ऑफ आइस एंड सम बॉइलिंग वाटर हियर, वाटर बॉइल कर रहा है तो आप अगर जितने चूल्हे में अगर बैठा दियो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, उसका टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, समझ में। सिमिलर ये ब्लॉक ऑफ आइस है, किस भी हीट दे दो मेल्ट कर सकता है, बट द टेम्परेचर विल रिमेन सेम। सो टी वन एंड टी टू आर द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, टी वन इज द हायर टेम्परेचर, टी टू इज द लोअर टेम्परेचर एंड दे आर मेंटेन एट कॉन्स्टेंट वैल्यूज। यहां पर होता है एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है इसमें क्या होता है कि हियर विल बी सम गैस, हियर इज सम सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, कुछ गैस इसके अंदर है और ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है उसका चारों तरफ इंसुलेटिंग है, सब कुछ इंसुलेटिंग है, मतलब हीट बाहर नहीं भाग सकता, खाली निचला वाला जो हिस्सा है ओपन है, उधर से हीट अंदर जा सकता है या फिर बाहर आ सकता है, आर यू गेटिंग। और ये जो पिस्टन है ये भी इंसुलेटर है, मतलब इधर से भी हीट बाहर भाग नहीं सकता। अब ये हो गया आपका सिलेंडर, समझ में। अभी हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स, पहले तो हम क्या करते हैं कि ये सिलेंडर में कुछ थोड़ा सा गैस ले लेते हैं, मान लो कि गैस है सिस्टम में और वो जो गैस है से दैट इज एट, नाउ दिस पिस्टन इज केप्ट एट सोर्स T1, अभी यू अलाउ इट टू एक्सपांड, ठीक है ना। तो अभी हो क्या रहा है कि ये कुछ जैसे ये T1 टेम्परेचर में रखेंगे इधर से हीट जा रहा है तो देयर इज ए हीट ट्रांजैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो अल्टीमेटली क्या होगा इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, और क्योंकि हीट अंदर जा रहा है ये एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडक्शन होके हीट जा रहा है, हीट इज गोइंग टू दिस बाय कंडक्शन, कंडक्शन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, सो हीट वेरी स्लोली एंटर कर रहा है, ये स्लोली एक्सपांड करेगा, समझ में। जैसे ही एक्सपांड करके कुछ हाइट तक आया फिर उसको हम वहां से उठा के ले आते हैं, उठा के ले आते हैं कहां पर, वी ब्रिंग इट टू द इंसुलेटिंग पैड। यहां पर लाने के बाद क्या करते हैं हम, इस जो सिलेंडर की अरेंजमेंट है, ये जो सिलेंडर की अरेंजमेंट है इसको इसको क्या करते हैं हम लोग खींच के ऊपर ले लेते हैं, सडनली यहां तक आया था कुछ दूर ऊपर आया था, देन यू सडनली पुल इट टू ए ग्रेटर हाइट। मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करूं, सपोज हम कहेंगे कि ये पिस्टन है और ये पिस्टन को मैं क्या किया, यहां पर तो कुछ दूर एक्सपांड कर गया था, अब मैं क्या किया इसको सडनली एक्सपांड कर दिया, सडनली खींच के मान लो यहां तक ले आया। सडनली कोई गैस को एक्सपांड करने का मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, व्हाट इज दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ए सडन एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम और ऑफ द गैस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम क्या कहें, पहले ये आइसोथर्मली ग्रो किया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, अब इसको लाके इसके ऊपर रख दिया और सडनली खींच लिए, इतना खींच लिए कि इसका टेम्परेचर घट के क्या बन गया मालूम है, टेम्परेचर घट के बन गया टी टू, क्योंकि यहां पर तो टेम्परेचर टी वन हो गया था और एक्सपांड करोगे तो टेम्परेचर तो घटेगा ही घटेगा, तो टेम्परेचर घट के बन गया टी टू, ठीक है। फिर इसको यहां से उठा के हम ले आए इसके ऊपर, फिर से वी ब्रिंग इट टू द थर्ड स्टेज, ऐसे जैसे स्टेज में ले आए, अब ये टेम्परेचर टी टू है, ये भी टेम्परेचर टी टू है, तो ये क्या होगा ड्यू टू द वेट ऑफ द पिस्टन, ये धीरे धीरे दबने की कोशिश करेगा, क्योंकि जबरदस्ती खींच लिए थे, छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आएगा, जब ये धीरे धीरे आएगा ये और ये हरदम कॉन्टैक्ट में होने के कारण कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में रहेंगे, यहां पर कोई हीट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, ये चारों तरफ से इंसुलेटेड था और ये भी इंसुलेटिंग पैड है तो चारों तरफ से बंद हो गया, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर वाज नो हीट ट्रांजेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन जब यहां पर रखे तो ये दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, तो फिर हीट धीरे 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 जाएगा, ये धीरे 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 नीचे आएगा, समझ में। धीरे धीरे नीचे आने के बाद ये क्या हो गया,
धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, और क्योंकि इसके साथ कॉन्टैक्ट में है सो इट इज बींग डाउन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सो यू से इट इज एन आइसोथर्मल कंप्रेशन। समझ में आया? कंप्रेस होके कहीं तक आ गया। उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा था क्या जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था, इसको ले आएंगे फिर से पेड के ऊपर, वी ब्रिंग इट अगेन ऑन टू दी पैड, इस पैड के ऊपर फिर से ले आएंगे, मतलब यहां से इस पे लिए, यहां से इस पे लिए, यहां से फिर से इसमें लाए, दिखाने के लिए फिगर साइड में कर रहा हूं। और इसको यहां पर लाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहां पर रख देते, और ये तो ऑलरेडी दब गया था, यहां तक नहीं था, ये कुछ दूर दब गया था, तो फिर क्या करते हैं इसको सडनली हम कुछ जोर से अंदर की तरफ कंप्रेस कर देते हैं, वी पुश इट डाउन सडनली, हम इसको सडनली पुश कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, पिस्टन अब यहां पे आ गया, और ऐसा पुश कर देते हैं कि इसका टेम्परेचर फिर से क्या बन जाता है, T1। ये बात समझ में आया? सो आई एम टॉकिंग अबाउट 4 stages, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन, धीरे धीरे एक्सपांड किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपांशन, फिर क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर उसके बाद अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन, ऐसे कर दिया कि T1 में हो गया, T1 में हो गया तो फिर इसको उठा के ले आओ इसके ऊपर, फिर से प्रोसेस शुरू। सो हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व, 4 stages आर इन्वॉल्व। समझ में आया? ये जो चीजें आपको समझ में आया उसको थोड़ा लिटरल ले लीजिए। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ए कार्नोट इंजिन, और पहला हुआ आइसोथर्मल एक्सपांशन, इन दिस केस गैस स्लोली एक्सपांड्स एट कॉन्स्टेंट सोर्स टेम्परेचर T1, स्लोली एक्सपांड करता है एट सोर्स टेम्परेचर T1, सो एक्सपांड कर रहा है तो हीट इज सप्लाइड इन दिस प्रोसेस, है ना, हम कहेंगे हीट इज सप्लाइड इन दिस प्रोसेस, हीट इज सप्लाइड टू गैस इन दिस प्रोसेस। जब मैं बोला कि कभी गैस स्लोली एक्सपांड करता है, कभी सडनली एक्सपांड करता है, कोई सडनली कंप्रेस करते हैं, स्लोली कंप्रेस होते हैं, होता कैसा है, प्रीवियस केस में जो बताया, ये जो अरेंजमेंट है ये चल रहा है, जब ये वाला हिस्सा यहां पे तो ये बहुत जोर से एक्सपांड हो रहा है, जल्दी जल्दी एक्सपांड हो रहा है, जब ये जोन में है तो मूव कर रहा है तो धीरे धीरे ये कंप्रेस हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये जोन में फिर जोर से कंप्रेस हो रहा है, ये जोन में स्लोली एक्सपांड हो रहा है, सडनली एक्सपांड हो रहा है, रिवेटिंग, सो दीज आर द 4 stages इसका जो हो रहा है ये कर रहा है, हम बोल रहे हैं ना सडनली खींच के बढ़ा देते, कौन बढ़ाएगा वहां पर करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट से होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस और एंगुलर मोमेंट ऑफ द क्रैंक व्हील, वो घूमते रहता है। कभी आप लोग सिलाई मशीन कभी यूज करते हुए देखे हो, उसमें भी नीचे से एक डंडा ऐसे रहता है ना व्हील को घुमाने के लिए, और एक रहता है ये आपका जो पेडल रहता है, वो पेडल से नीचे वाला व्हील को घुमाते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ इट इज कनेक्टेड, हाँ, जिसको ऐसे पेडलिंग करते हैं तो उसको घुमाने लगता है, लेकिन एक बार पेडलिंग करके छोड़ दो तो खुद घूम जाता है कि नहीं, 2-3 बार, सेम मैकेनिज्म हियर आल्सो, जैसे चला एक दो बार चला तो स्टार्ट हो गया, गाड़ी एक बार चल गया तो ये घूम गया, एक बार घूम गया तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ दिस फिर वो ऑटोमेटिकली चलने ही लगेगा, हर बार जब वो यहाँ पर आके पहुंचेगा ये मिनिमम होगा, तो इसमें क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई कर देते हैं, हीट सप्लाई कर देंगे या फिर कोई गैस को बर्न करवा देंगे तो सडनली इसको ब्लास्ट करेगा, मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल में आग लगाए तो फटेगा, यहाँ से बर्स्ट करेगा तो फेंकेगा इसको, समझ में, एकडली यहाँ पर जो फ्यूल है उसको चलने में मदद करता है,
वो जो पेट्रोल जला के हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स दे रहा है हीट, समझ में आ रहा है? अच्छा तो क्या बात चला इसमें? चला ये कि स्टेज वन में क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ। चलिए इसको थोड़ा कुछ नाम दे देते हैं अपने हिसाब से, इट इज ए टू बी, फिगर में दिखाएंगे हम लोग ए टू बी। दूसरा हुआ क्या आइसोथर्मल एक्सपांशन के बाद, दूसरा हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक एक्सपांशन रीडिंग, एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है, इन दिस केस और इन दिस सिचुएशन। पहला केस में क्या हुआ, इन दिस केस, अच्छा इन दिस केस, इन दिस केस द सिलेंडर इज ऑन इंसुलेटिंग पैड एंड द गैस इज सडनली एक्सपांडेड। नो हीट ट्रांजैक्शन, नो हीट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। तो इसको चलो नाम देते हैं, पहला वाला ए टू बी हुआ था, इसको बी टू सी कहते हैं। चलिए ठीक है, तीसरा हुआ इन दिस केस द सिलेंडर द गैस इज सडनली एक्सपांडेड, नो हीट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स T2। ऐसा एक्सपांड करते हैं कि उसका टेम्परेचर T2 हो जाए। T2 क्या था, सिंक टेम्परेचर, बिकम्स सेम एज सिंक टेम्परेचर T2 बिकम्स सेम एज सिंक टेम्परेचर T2। मैं क्यों डिटेल्स में लिख रहा हूं, वन मार्क वाले क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द एडियाबेटिक एक्सपांशन, अब होगी ये सिंक टेम्परेचर T2 है, ठीक है T2। नाउ लेट्स गो फॉर स्टेज 3। देन आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, लेट अस कॉल इट बी टू सी हो गया था, लेट अस कॉल इट सी टू ए। यार थोड़ा पानी नहीं पीले, अच्छा सी टू ए, ठीक है आइसोथर्मल कंप्रेशन सी टू ए। इसमें क्या होता है, सी टू डी कर देते हैं, सी टू डी डी टू ए कर देते, सी टू डी, अच्छा इन दिस केस द सिलेंडर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ, किसके साथ कॉन्टैक्ट में था, सिंक एंड गैस वॉज स्लोली कंप्रेस्ड। मैं बता चुका हूं कब स्लोली कंप्रेस होता है, कब सडनली कंप्रेस होता है, कब स्लोली एक्सपांड होता है, कब सडनली एक्सपांड होता है, समझ में आया? अच्छा गैस वॉज स्लोली कंप्रेस्ड, समझ में आया? हीट इज रिजेक्टेड by gas, to sink, and last wala is state D, adiabatic
कंप्रेशन। ये चार स्टेज में होता है, जो हो गया डी टू ए। नाउ सिलेंडर इज अगेन ब्रॉट टू द इंसुलेटिंग पैड एंड सडनली कंप्रेस्ड। सडनली कंप्रेस्ड टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स T1। तो देर आर फोर स्टेजेस, जैसे मैं बताया चार स्टेज में हमारा काम निकल गया। थोड़ा पीवी डायग्राम देखें, हाउ द पीवी डायग्राम इज लुकिंग लाइक। पीवी डायग्राम, इफ आई गो फॉर द पीवी डायग्राम, आप देखोगे यहां पे से दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। कोई गैस इनिशियली स्टेट ए में था, अब वो यहां से पहले क्या हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपांशन कुछ ऐसे गया है ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन किया। उसके बाद क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब जब एडियाबेटिक एक्सपांशन की बात करेंगे, देखा गया ये क्या हो गया, अरे नहीं हाँ, जब एडियाबेटिक एक्सपांशन की बात करेंगे, सोच के बताओ तो एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, मतलब ये जितना स्लोप में होता है उसका ज्यादा स्लोप होता है। तो जो एडियाबेटिक कर्व होगा वो एडियाबेटिक कर्व कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ज्यादा स्लोप का आ गया है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ ए से बी, एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ बी टू सी, चलो मानते हैं बी टू सी हो गया एडियाबेटिक एक्सपांशन, दिस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन, ये हो गया सी। फिर क्या हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन देन एडियाबेटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेस करेंगे तो फिर ये डायग्राम कुछ ऐसे गया, ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर क्या हुआ एडियाबेटिक कंप्रेशन। सो यू सी दिस वे द फोर स्टेजेस ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। समझ में आ रहा है क्या, ए में क्या टेम्परेचर था T1, मतलब दिस इज व्हाट इज एन आइसोथर्मल कर्व जिसका टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर है T1। ये दूसरा वाला इज ऑल्सो एन आइसोथर्मल कर्व, टेम्परेचर है T2। समझ में आ रहा है। तो क्या हम अपनी सारे स्टेट्स लिख सकते हैं ए में, मान लो प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। क्या बता सकते हो बी में क्या हाल है, क्या प्रेशर बदल गया है, हाँ बदल गया, वॉल्यूम वो भी बदल गया, टेम्परेचर नहीं, वो भी तो अभी T1 है बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम आइसोथर्मल कर्व। तो बी में क्या हो गया P2, V2, बट T1 नहीं। सी में स्टेट्स क्या है बताओ, सी में स्टेट्स क्या है, पी बदल गया है, V3 बदल गया है, टेम्परेचर भी बन गया है T2। और डी में फिर से प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2। आर यू गेटिंग। तो ए टू बी जो हुआ कौन सा हुआ, ये आइसोथर्मल कर्व, बी टू सी हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन, ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, बी टू वो बोलेंगे ड्रॉ द पीवी डायग्राम एंड राइट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस रिप्रेजेंट, खाली उतना लिखना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है, बताना है कि ए टू बी इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, बी टू सी इज एडियाबेटिक एक्सपांशन, सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी टू ए एडियाबेटिक कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन। अच्छा, इसमें से कौन सा स्टेज में सिस्टम के अंदर हीट गया, जब आइसोथर्मल एक्सपांड कर रहा था, एडियाबेटिक एक्सपांशन के समय तो हम उसको पैड के ऊपर रखे थे, तो इसका मतलब हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कौन सा समय में हीट छोड़ दिया, जब वो आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा था
सिंह के ऊपर रह के है कि नहीं, सिंह के ऊपर हो रहा था तो यहाँ पे हीट छोड़ रहा है। सपोज Q1 इज द हीट सप्लाइड एंड Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास पढ़े थे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी वार्डन बाय हीट सप्लाइड। Q1 हीट दिए, Q2 हीट छोड़ दिया, व्हाट इज द हीट अब्सॉर्ब्ड? Q1 माइनस Q2 है कि नहीं। इफ दिस इज द हीट अब्सॉर्ब्ड देन व्हाट इज द वार्डन? Q1 माइनस Q2। कितना हीट दिए? Q1। वार कितना हुआ? Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी क्या है? Q1 माइनस Q2 बाय Q1 रीडिंग। ये बात है। तो अब अगला चीज हमें जो करना है वो ये है कि हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी, समझ में आया। और आपको ये भी मालूम है यहां पर ए टू बी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द पीवी डायग्राम बोले तो उतना लिखना पड़ेगा। बी टू सी क्या हो गया? एडियाबेटिक एक्सपांशन। सी टू डी क्या हो गया? इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड डी टू ए इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इसमें दो चीजें हम यूज किए हैं, टेम्परेचर। T1 क्या है? सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर। T2 क्या है? रिमेंबर दे आर ऑल इन केल्विन, क्योंकि हमारा जो पीवी इज इक्वल एनआरटी है गैस इक्वेशन, उसमें T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कि नहीं। तो हम कहेंगे T2 इज सिंक टेम्परेचर। और ये P1 V1 P2 V2 P3 V3 उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, जरूरत भी नहीं है जानने का। कुछ तो होगा प्रेशर, उसी हिसाब से लिखें, समझ में आ रहा है। हमारा सारा का सारा खेल हो जाएगा Q1 Q2 T1 T2 में, काम खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली आपको मिलेगा एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 बाय Q1 और 1 माइनस T2 बाय T1। सिंपल सा चीज है। अब वो डेरिवेशन आएगा स्कूल में तो लिखेंगे, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल आएगा सीधा व्हाट इज द एफिशिएंसी, इट इज 1 माइनस T2 बाय T1। सोर्स टेम्परेचर दिया है, सिंक टेम्परेचर दिया है, 1 माइनस T2 बाय T1 हो गया एफिशिएंसी, समझ में आया। चलिए कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ साइकिल एफिशिएंसी। अच्छा, से Q1 इज हीट सप्लाइड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब डेल्टा यू कितना होता है? जीरो, मतलब हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन द प्रोसेस। इन द प्रोसेस क्या? ए टू बी। आइसोथर्मल प्रोसेस में वार्डन का क्या फॉर्मूला है याद है? इट वाज NRT1 लॉन V2 बाय V1। तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी n नंबर ऑफ मोल्स आर टेम्परेचर T1 लॉन T2 बाय सॉरी लॉन V2 बाय V1। समझ में आया क्या? The heat supply is equal to Warden क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला ये है। प्रोसेस ए टू बी में, ए टू बी प्रोसेस में अगर हम ध्यान से देखेंगे, ए टू बी प्रोसेस में यहाँ पर वॉल्यूम क्या था? V2। यहाँ पर वॉल्यूम था V1। T1 टेम्परेचर में काम हुआ था, तो NRT1 लॉन V2 बाई V1। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब निकालना है Q2। Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड। और माइनस Q2 क्या है? हीट सप्लाइड। कैसे कहो? ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज हीट सप्लाइड ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन।
सर वो हीट रिजेक्टेड है, हाँ इसलिए तो लिखा हूँ Q2 इज द हीट रिजेक्टेड और माइनस Q2 इज द हीट सप्लाइड, माइनस Q2 इज द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्यों Q2 आर द हीट रिजेक्टेड, तो आप चाहो तो कुछ उसको ऐसे लिख सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा, हीट सप्लाइड कितना होगा, वही अगेन फॉर्मूला NR T2 ln V3 / V4 log V4 by V3, sorry, V4 by V3, समझ में आ रहा है क्या? जब वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, व्हाट इज द वार्डन NRT1 log V2 by V1, जब वॉल्यूम V3 से V4 हुआ तो व्हाट इज द वार्डन NRT2 log V4 by V3, समझ में आ रहा है क्या ये बात? एंड जो भी वर्क हुआ दैट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। अब अगर कहेंगे Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड देन व्हाट इज द हीट सप्लाइड, माइनस Q2, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ बाहर ले जाओ एंड सीट एट द लास्ट बेंच इफ यू आर कॉफी। तो इसमें क्या हो गया, आपको Q1 और Q2 दोनों मिल गया। अभी आपको अगर एफिशिएंसी पूछेगा तो फटाक से निकाल दो क्या फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 4 इंटू 100% नहीं? अच्छा तो हम क्या कहेंगे Q2 क्या है, Q2 इज हीट रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा, ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस NR T2 ln V4 बाई V3। Q1 Q2 मालूम है एफिशिएंसी तो बच्चा बच्चा निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन एफिशिएंसी को एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग थोड़ा इसको और मॉडिफाई करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू द पीवी डायग्राम अगेन। देखो पीवी डायग्राम में क्या हुआ है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को थोड़ा मैं लेके जाता हूँ और मैं जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है Q1 Q2 का वैल्यूज इसको और भी थोड़ा सिंपलीफाइड वे में करना चाहता हूँ। चलिए कॉपी इट एंड पेस्ट करें। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन P1 P2 P3 P4। अच्छा A टू B प्रोसेस में ये आइसोथर्मल प्रोसेस था नहीं, यहां पर प्रेशर था P1 V1, यहां पर प्रेशर वॉल्यूम थे P2 V2, क्या रिलेशन कहोगे A टू B में P1 V1 इज इक्वल टू B2 V2 क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है नहीं, और B2C ये तो एडियाबेटिक था, एडियाबेटिक प्रोसेस में B2C क्या होता है बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में यहां पर प्रेशर था P2 V2, प्रेशर और वॉल्यूम थे P2 V2, यहां पर P3 V3, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम कहेंगे P2 V2 to the power gamma इज इक्वल टू P3 V3 to the power gamma, इज इट ओके नहीं? अच्छा C से D वाला देखेंगे तो बुक वाला मेथड देखोगे थोड़े कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा सी टू डी क्या है, ये कौन सा मेथड है आइसोथर्मल, तो यहाँ पर क्या है प्रेशर P3 V3 और यहाँ पर P4 V4, तो बनेगा P3 V3 इक्वल टू P4 V4। अच्छा और फिर D2A ये कौन सा है, ये फिर से एडियाबेटिक हो गया, यहाँ पर प्रेशर क्या है P4 वॉल्यूम V4 P1 V1, तो आप कहोगे P4 V4 to the power gamma इक्वल टू P1 V1 to the power gamma, क्या बात समझ में आया? ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम आर लाइक दिस। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं इसमें, ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2 P2 V2 to the power gamma is equal to P3 V3 to the power gamma एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई LHS एंड RHS, ये सारे को मल्टीप्लाई करो मिलेगा P1 P2 P3 P4 V1
V3, V2 टू द पावर गामा, V4 टू द पावर गामा। देखो तो LHS को मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, P1, P2, P3, P4, V1, V3, V2 टू द पावर गामा, V4 टू द पावर गामा। RHS को मल्टीप्लाई करो, RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो RHS को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, लेट अस मल्टीप्लाई RHS राइट हैंड साइड अगेन, P1, P2, P3, P4 और इधर V2, V4, ये लास्ट वाला कौन था रे भाई, V1 था, V2, V4 इनटू V3 टू द पावर गामा एंड V1 टू द पावर गामा। अब ये क्वांटिटी तो गया दोनों तरफ से, गया ना, यस। अब ये सारा सिमिलर टर्म को एक तरफ ले आओ, ये V2 V4 इधर है, V2 V4 को इधर ले आओ, मिलेगा V2 V4, ये टू द पावर गामा है, V2 V4 नीचे डिवाइड हो गया, क्या ये हो जाएगा टू द पावर गामा माइनस 1, और ये V1 V3 को इधर ले आओ तो ये हो गया V1 V3 टू द पावर गामा बाय V1 V3 टू द पावर गामा माइनस 1। देखो बात समझ में आ रहा है क्या, V2 टू द पावर गामा, V4 टू द पावर गामा को इधर रखा, V1 V3 को इधर ले लिया, V2 V4 को इधर डिवाइड कर दिया, ये V2 इनटू V4 टू द पावर गामा था, V2 V4 डिवाइड हो गया, टू द पावर गामा माइनस 1 हो गया। सिमिलर इधर V1 V3 टू द पावर गामा था, इधर वाला V1 V3 डिवाइड हो गया तो V1 V3 टू द पावर गामा माइनस 1 हो गया। अगर हम कहेंगे y2 = x2, आई कैन से y = x, फिर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, यू नो ये चीजें तो नेगेटिव हो नहीं सकते, ऑलवेज पॉजिटिव, वॉल्यूम कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता। तो हम कहेंगे अगर दिस टू द पावर गामा माइनस 1 = दिस टू द पावर गामा माइनस 1, इससे ये कंक्लूजन मिला, क्या मिला, V2 V4 = V1 V3। समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ V2 by V1 = V3 by V4। क्या बात समझ में आया, V2 by V1 = V3 by V4। ठीक है, नाउ लेट अस गो बैक टू द वैल्यूज, हमें क्या क्या समझ में आ गया। दस Q1 हीट सप्लाइड, क्या था हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड वाज हाउ मच, अभी अभी निकले थे थोड़ी देर पहले, Q1 क्या था, nRT1 लॉन V2 by V1, इट इज nRT1 लॉन V2 by V1, nRT1 लॉन V2 by V1। Q2 हीट रिजेक्टेड = nR, हाँ माइनस साइन था यहाँ पे, एक माइनस साइन था यहाँ पे, इट वाज माइनस nRT2 लॉन V4 by V3, है कि नहीं, इट इज माइनस nRT2 लॉन V4 by V3, माइनस nRT2 लॉन V4 by V3। लेकिन थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा लॉगरिथम में, log a by b इज इक्वल टू माइनस ऑफ log b by a, क्या ये छोटी मोटी चीजें आपको मालूम, हाँ या ना, log a by b मतलब log x square इज इक्वल टू 2 log x मालूम है ना, क्या हम ये log a by b को log b by a टू द पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते, तो माइनस इधर आ गया, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जो चीजें आ रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस साइन को अंदर लेते हुए हम कहेंगे इट इज nRT2 लॉन, माइनस साइन अंदर चला गया तो V3 by V4। और हम देख चुके हैं कि V2 - V1 इज सेम एज V3 by V4, अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, क्या देखे यहाँ पर हम लोग देखे कि V2 by V1 इज V3 by V4। समझ में आया, अच्छा तो हम कहेंगे दिस इज सेम एज nRT2 लॉन V2 by V1, ये हो गया Q2 का वैल्यू, सिंपल है, और यहां पे हमारा कैलकुलेशन खत्म हो गया।
कैसे खत्म हो गया सर? नहीं, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था? इट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इनटू 100%। वैल्यू डालो Q1 माइनस Q2 बाय Q1 करें तो Q1 माइनस Q2 दिस माइनस दिस इट इज NRT1। और ये NRT1 लॉन V2 बाय V1, ये है NRT2 लॉन V2 बाय V1, तो ये हो गया NRT1 और लॉन V2 बाय V1 को भी ले लेते हैं। ये दोनों NRT1 लॉन V2 बाय V1 इनटू T1 माइनस T2। और Q1 क्या है? Q1 इज NRT1 लॉन V2 बाय V1। अरे भैया ये तो सब काट पीट गए। क्या मिला? लॉन V2 बाय V1 हियर हियर NR NR क्या मिल गया आपको? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? दिस सेम इज T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 बाय T1। और एफिशिएंसी निकालना है तो देखो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। T1 माइनस T2 बाय T1 दैट इनटू 100%। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ ये बात है। हमें बढ़िया से मालूम है कि सबको बढ़िया से समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें वो इंजन वाला कंसेप्ट जा रहा है। सडन एक्सपांड हो गया। कौन कर रहा है सडन एक्सपांशन? कोई पकड़ के खींच रहा है क्या? नहीं, वो जो क्रैंक अरेंजमेंट है उसी के चलते चीजें हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कभी सडन एक्सपांशन हो रहा है, कभी सडन कंप्रेशन हो रहा है, कभी स्लो एक्सपांशन हो रहा है, कभी स्लो कंप्रेशन हो रहा है। तो ऐसा करके अगर एक इंजन को T1 T2 टेम्परेचर में चलाएंगे फॉलोइंग दीज प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो इंजन क्या कहलाएगा? कार्नोट इंजन। और उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 माइनस और इट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1 और T1 माइनस T2 बाय T1 इक्वल टू 100%। तो अगर ये सब देख के आपको डर लग रहा है तो पहले डर के ऊपर जीतना सीखो, क्योंकि बाय चांस अगर स्कूल एग्जाम में पूछेंगे कि कैसे हुआ बताओ, ये राम कहानी लिखना पड़ेगा। और अक्सर छूट वाले पूछते नहीं क्योंकि ये समझाने में भी काफी दिक्कत होता है। ठीक है, सडनली एक्सपांड कर दिया गया, कैसे एक्सपांड कर दिया गया, कौन था वहां पर करने के लिए, वो कोई नहीं बताता है। तो जस्ट फाइनली दे विल गिव यू एनी क्वेश्चन ऑन कार्नोट इंजन स्कूल में, तो दैट विल बी ऑन दिस टू फॉर्मूले। समझ में आ रहा है? स्कूल में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आएगा, ये डिराइवेशन लिखने के लिए नहीं आएगा। समझ में आया? सो डोंट वरी, मेरा काम था बताना, मैं बता दिया। तो हमें ये पूरे के पूरे जो आज की डिस्कशन की उसमें से फैक्ट्स टू बी रिमेम्बर्ड, हमें क्या याद रखना है? कुछ चीजें जो आपको याद रह गया है उसको लिखने की जरूरत नहीं। ए कार्नोट इंजन इज ए साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि इंजन हरदम क्लॉकवाइज होता है। हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड? 4 स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड। इन व्हिच प्रोसेस हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम? आइसोथर्मल एक्सपांशन। इन व्हिच प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड? हाँ, ड्यूरिंग द सडन कंप्रेशन पीरियड हीट इज रिजेक्टेड और अब्सॉर्ब्ड। सडन मतलब तो एडियाबेटिक, नो हीट इज गिवन और टेकन। समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना चीज हो गया। आगे की कहानी और क्या क्या याद रखना है? पहला चीज ये हुआ कि जो आपका Q1 है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, एफिशिएंसी है, इट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1, यानी Q1 माइनस Q2 बाय Q1, ये हुआ एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हुआ T1 माइनस T2 बाय T1, इसे मेज 1 माइनस T2 बाय T1। इसमें T2 क्या है? सिंक टेम्परेचर, सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। T1 था सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? सिंक टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T1 इज सोर्स टेम्परेचर, बस ये याद रखना है, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज है। दूसरा हुआ अगर एफिशिएंसी ये भी है, एफिशिएंसी ये भी है, तो आप कहोगे 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज सेम एज 1 माइनस T2 बाय T1, इट इंप्लाइज Q2 बाय Q1 इज सेम एज T2 बाय T1। हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये एक रिलेशन आ गया। अगर आपको सोर्स टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर दिया गया है और पूछा गया है कि इतना हीट सप्लाई किया गया, बताओ कितना हीट रिजेक्ट होगा, तो आप Q2 निकाल सकते हैं। T1, T2 मालूम है, Q1 दिया है, Q2 निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो जस्ट इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे आप लोग यूज करते हो। इतनी फॉर्मूला है, पूरा क्लास में इतना याद रखना है। बाई चांस अगर स्कूल एग्जाम में डिराइवेशन नहीं आया तो आगे के लिए इतना ही याद रखना है, और जो एक दो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बोले उतना याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एंट्रेंस एंड एवरीथिंग, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए कार्नट इंजिन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ इंजिन। समझ में आया? तो कितना सिंपल है, पहले हम T1 तो पता करें। T1 कौन सा है, 27 वाला कि 227 वाला? हायर टेम्परेचर। T1 मतलब हायर टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर और सोर्स टेम्परेचर को हम T1 कहेंगे। तो T1 कितना है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम जानते हैं कि ये सारे को हमें एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट स्केल में लिखना है, तो प्लस 273 करेंगे तो हो गया ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 500 डिग्री केल्विन। तो कोई भी भूत निकाल सकता है। 1 - T2 / T1 is not it coming out to 1 - 300 / 500, it is 200 / 500 or 2/5 or 0.4, that is same as 40% into 100 करके परसेंटेज करना है। 0.4 मतलब 40% समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये हो गया 40%। एक चीज 40% समझ में आया? एब्सोल्यूट इन ए कार्नट इंजिन, इन ए कार्नट इंजिन इनको काटो फॉर ए कार्नट इंजिन, और ए कार्नट इंजिन सोर्स टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज डबल ऑफ दैट ऑफ सिंक टेम्परेचर और दैट ऑफ सिंक। समझ में आया? सोर्स टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर का डबल है, कौन सा स्केल में, सेल्सियस स्केल में, है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक are doubled, what will happen to efficiency?
एफिशिएंसी ऑफ इंजन बढ़ेगा कि घटेगा? चलो मानते हैं कि टी वन इज टी डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखो तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 273। चलो मैं टी टू को पहले लिखता हूं, लेट टी टू द सिंक टेम्परेचर इज टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इतना केल्विन हो गया। टी वन क्या था, इसका डबल मतलब टू टी था, मतलब ये कितना हो जाएगा, टू टी प्लस 273। अब एफिशिएंसी पहले क्या था, एफिशिएंसी वाज इन द फर्स्ट केस T2 माइनस T1, 1 माइनस T2 बाय T1, T2 बाय T1 ही T प्लस 273 बाय 2T प्लस 273। क्या बात समझ में आया, ये पहले एफिशिएंसी था 1 माइनस T2 बाय T1, ठीक है। बोला है दोनों टेम्परेचर को डबल कर देंगे, इसको भी डबल कर दिया, हो गया 2T और ये हो गया 40, ये हो गया 2T और ये हो गया 40। अब बताओ क्या होगा एफिशिएंसी, व्हेन बोथ सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर आर डबल, व्हेन और इन द सेकेंड केस आपको हो गए T2 क्या हो गया 2T डिग्री सेंटीग्रेड, That is 2T plus 273 और T1 क्या हो गया, ये भी डबल हो गया, तो हो गया 40, That is 40 plus 273। समझ में आ रहा क्या, अब एफिशिएंसी क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया सेकेंड केस में 1 माइनस 2T plus 273 by 40 plus 273। समझ में क्या, 50% काहे का, कैसे कर दिया तू 50%, क्या कर दिया, चमत्कार आंसर। सो ये यू फाइंड इट इज 1 माइनस दिस। अब पहले एफिशिएंसी क्या था, टी प्लस 273 बाय 2टी प्लस 273, नाउ इट इज 2टी प्लस 273 बाय 40 प्लस 273, क्या होगा, क्या हो गया, न्यूमरेटर भी बढ़ा है, लेकिन अगर ये भी डबल हो गया होता 273 की जगह तो रेशियो 1:2 रहता, ये डबल नहीं हुआ है, थोड़ा समझ लो। अगर नीचे वाले 240 प्लस 273 हुआ, नीचे वाला, ऊपर वाला हुआ 2t प्लस 273, अगर यहां पर ये 273 भी डबल हो जाता, ये भी और ये भी, तो हम कहते कि रेशियो जो था वही रहेगा, ऊपर नीचे 2:2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये पर तो नहीं हुआ। अब देखो तो 2t को ले लो, मान लो t को 10 मानते हैं समझने के लिए, 10 t का वैल्यू 10 मान लो, 2 into 10 plus x by 4 into 10 plus x, ये ज्यादा है कि मान लो 2 into पहला वाला 2 नहीं था, तो हम कहेंगे 10 plus x by 20 plus x ज्यादा है, x का वैल्यू कुछ भी ले लो, x तो वैल्यू कुछ भी है, इट मे बी 1 2 3 4, 273 है यहां पर, x का वैल्यू कुछ भी ले लो, सोचो ये हो गया 20 बाय 40, 1:2 होता, ये होता 1:2, लेकिन x x रहने के कारण गड़बड़ हो रहा है, मान लो x का वैल्यू आप 5 ले लो, कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, x का वैल्यू में 5 ले लिया। अब कौन सा बड़ा है, देखो ये वाला कि वाला, ये सेकंड वाला केस था, ये पहला वाला केस था, ये किसमें कितना हो गया 25 बाय 45 और ये 15 बाय 25, ये हो गया 25 बाय 45, That is 5 by 9, और ये कितना हुआ 15 by 25 is 15 by 25 is 3 by 5, so this is 0.55, this is 0.6, तो ये बड़ा है, मतलब अभी efficiency घट, मतलब ये T2 by T1 घट रहा है, ये quantity घट रहा है, और ये quantity घटेगा 1 minus something, वो बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, तो आपको कहोगे efficiency will increase, समझ में आया, हाँ ठीक। कभी कभार नहीं समझ में आने से भी हाँ जी करते रहे हो, नहीं तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं। तो 10 एफिशिएंसी डिक्रीजेस, ज्यादा दिमाग फट गया कुछ लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए कार्नट इंजिन वाज सप्लाइड 80 कैलोरी हीट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स आर से समथिंग लाइक 300 केल्विन एंड 600 केल्विन फाइन वर्क डन पर साइकिल एफिशिएंसी ऑफ इंजिन व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजिन ऐसे पूछा वर्क डन पर साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजिन दोनों चीज आपको पूछा गया ठीक है कैसे करें क्या क्या दिया है ये केल्विन स्केल में दिया है ये टेम्परेचर दिया है मैक्सिमम मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 केल्विन तो क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में व्हाट इज टी वन 600 केल्विन और टी टू इज 300 क्या आपको क्यू वन दिया हुआ है हाँ क्यू वन दिया हुआ है हीट सप्लाई कितना 80 कैलोरी अच्छा पूछा है वार्डन पर साइकिल क्या पता चल जाएगा तो आपको वार्डन पर साइकिल पता चल जाएगा कितना हीट दिया गया कितना वो रिजेक्ट कर दिया हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल हीट अब्सॉर्ब्ड एंड इन एनी साइक्लिक प्रोसेस हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू वार्डन तो क्यू टू पता चल जाएगा तो काम पता चल जाएगा क्यू वन ऑलरेडी मालूम है टी वन टी टू मालूम है क्यू टू पता करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा टी टू बाई टी वन इक्वल टू क्यू टू यस 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 तो हम कहेंगे टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू क्यू टू बाई क्यू वन यहां से पता चला क्यू टू इज टी टू बाई टी वन दैट इज 300 बाय 600 इंटू क्यू वन इज 40 कैलोरी क्यू टू इज 40 कैलोरी है ना और अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन पर सेकंड कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हो गया वर्क डन पर सेकंड समझ में वर्डन पर साइकिल इज क्यू वन माइनस क्यू टू तो क्यू वन था 80 कैलोरी माइनस 40 कैलोरी इज इक्वल टू 40 कैलोरी वर्क इज डन एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी 1 माइनस क्यू टू बाय क्यू वन और टी टू बाय टी वन कुछ भी करो यस 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 1 माइनस इट इज सेम एज टी टू बाय टी वन भी कर सकते हो which is coming out to be 1 minus 300 by 600 is equal to into 100 करो और percentage निकालो it is coming 50% समझ में आ रहा है next a Carnot engine a Carnot's engine operates at 75% efficiency है ना ठीक है if
हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन इज 20 कैलोरी देन फाइंड वर्क डन पर साइकिल कितना वर्क हुआ। सेम चीज को थोड़ा घुमा फिरा दिए, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स एट 75% एफिशिएंसी दे दिया, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, इट इज 1 - Q2 / Q1 = 75%, मतलब 0.75। हाँ बेटा कुछ बोले हैं सर? 15 कैलोरी बोल रहा है वार्डन पर साइकिल। यस सर, मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ा देखेंगे। 80 कैलोरी वर्क हुआ है शायद, देखेंगे। पहले यहाँ पर देखो कि ये 20 कैलोरी दी हीट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन जो हीट लेन देन हुआ वो 20 कैलोरी क्या हुआ, लेन हुआ कि देन हुआ? इट वाज हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड, कंप्रेशन प्रोसेस था, रिजेक्टेड। ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट इज Q2, समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे Q2 इज हीट रिजेक्टेड 20 कैलोरी, ये लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस, तो फिर ये आप कहोगे Q2 / Q1 तो है 1.75 0.1/4, ये Q2 / Q1 क्या हो गया, इसको इधर ले आओ 0.25 / 100 = 1/4। इसका मतलब Q2 कितना है, मिल गया, Q1 कितना है, 4Q2 is 80 कैलोरी। लेकिन वो थोड़ी पूछा है वार्डन पर साइकिल 60 कैलोरी, तो वार्डन पर साइकिल इज Q1 - Q2 इज 60 कैलोरी। क्या बातें, सबको समझ में आया? सिंपल तो है, ठीक है। एक कार्नट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 0° एंड 27°C, इट इज कमिंग एंड, ठीक है, 273°C। Find heat rejected in one cycle if heat supplied per cycle इज 100 कैलोरी। अगर पर साइकिल में हीट सप्लाई हुआ है 100 कैलोरी, व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड, ये तो कोई भी बता देगा। मैं क्यों बताया बताओ, ये स्कूल वाले बड़े मजे लेके डालते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वहां पर एक टेम्परेचर जीरो दिया है ना, 1 / T2 / T1 जीरो कर देते, बोलते हैं इनफाइनाइट क्रॉस हो जाता है उनका। 50 कैलोरी, हां सॉरी, एफिशिएंसी क्या है, क्या पूछा है, व्हाट इज हीट सप्लाइड पर साइकिल, फाइंड हीट रिजेक्टेड कितना हुआ, 50। वाओ, समझ में आ गया।
क्यों पुनिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग आ रहा है? तो कितना हुआ बताओ? रुको सर, निकालता हूँ। निकालता हूँ मतलब क्या है? हैं? निकाल रहा है। चलो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या कहेंगे? T2 दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लिखो तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। और T1 दिया है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये हो जाएगा, इसके साथ 273 जोड़ो, सो इट इज 2 × 273 केल्विन। तो फिर आपको पूछा गया व्हाट इज द हीट सप्लाइड, यू नो Q1 by Q2 इज T1 by T2। Q1 क्या है? Q1 इज, अच्छा क्या पूछा है? हीट रिजेक्टेड पूछा है, तो हम कहेंगे हीट रिजेक्टेड Q2 इज इक्वल टू Q1 × T2 by T1। देखो तो T2 T1 का आधा है, कहाँ है? So Q1 है 100, so 100 × 1/2 is 50 calorie। समझ में आया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे आता है और बोलता है कि कोई भी इंजन जो T1 T2 टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, कोई भी इंजन, नॉट ओनली कार्नट इंजन, उसका एफिशिएंसी कार्नट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा केयर लेके किए कि हीट को नॉर्मली एक्सपांड किए, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी इंजन का एफिशिएंसी कार्नट एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकता, समझ में? कोई एक इंजन बनाया, किसी दूसरे का एफिशिएंसी उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, मतलब सबका एफिशिएंसी से कम है। क्यों? क्योंकि देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग, जो प्रोसेस चल रहा है, हम लोग क्या बोले, कोई हीट बाहर नहीं भाग रहा, लेकिन कुछ हीट तो बाहर भागेगा ही भागेगा, कुछ ना किस तरह हीट भागेगा। सो एनी इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंज एज ए कार्नट इंजन कैनॉट हैव एन एफिशिएंसी मोर देन कार्नट इंजन, इट विल बी ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ कार्नट इंजन, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए हीट लॉस। हम क्या बोले, सिर्फ वो सिंक के पास हीट दे रहा है, सोर्स के पास हीट ले रहा है, बीच में जब पैड के ऊपर रख के उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं उसमें कोई हीट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कुछ तो हीट भाग ही जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, समझ में? तो थर्मोडायनेमिक्स का जितने सारे इंपोर्टेंट चीजें थे वो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाते हैं। इसे खत्म टू दिस चैप्टर, खत्म हम। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या बताओ, हुए मोशन। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्लास में आधा घंटा है, अभी शुरू करें क्या, देख लेते हैं, अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो वी कैन स्टार्ट विद वेव मोशन। तो ठीक है, विल सी विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।